अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन बाउजर, मरहूम शेख सईद बाउजर का छोटा भाई, आज जेलपल्ली के अंदर अलजाबरी कॉलोनी के अंदर आया हूँ। ये मस्जिद है नूर मस्जिद। नूर मस्जिद के पास लोग नमाज को कैसे आ जाएंगे? जेलपल्ली के काउंसलरों से पूछ रहा हूँ, सविता इंदिरा रेड्डी मैडम से पूछ रहा हूँ। मैं एक सवाल है, दूसरे इतराफ इलाकों में कई जगह देख लो आप, लोग काउंसलर एमएलए बाहर निकले हुए, यहाँ के एमएलए और यहाँ के काउंसलर लीडर कई को बाहर नहीं निकल रहे, पानी में पानी पड़ रहा ना, ओटा डाल के विश्वास से लेके आएगा तुम्हारा घरों में आराम करने के वास्ते। बता दो, आने वाला इलेक्शन तुम्हारा है, अनखरीब इलेक्शन होने वाला है, तुम्हारा मालूम है पब्लिक के बीच में वो इतना पानी भरे हुआ है, लोग नमाज को कैसे आएंगे? फजर का टाइम होने वाला है, 4 बज रहे हैं रात के, फजर का टाइम होने वाला है, लोग नमाज को कैसे आएंगे ये मस्जिद के अंदर? और हर जगह गलियां इतने खराब है, गलियों में से पानी जा रहा है, वीडियो के जरिए देख सकते हैं ये चीज। मैं काउंसलरों को बोल रहा हूँ, आने वाला इलेक्शन तुम्हारा है, कहीं को बाहर नहीं निकलना चाहे पब्लिक के बीच में। हर जगह लोग बारिश से परेशान है, अल्लाह ताला रहमत की बारिश अता फरमा हमारे इलाकों में। दूसरे जगहों पे देख सकते हैं पानी में निकल के थोड़ा पानी को जो है सो पानी के लोगों को लेके आके जो है सो पानी का काम तो करा सकते तुम लोग, इतना तो करो। अल्लाह का डर दिल में है नहीं है तुम लोगों के? मरे बात जाना है सबको, ये बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है तुम लोगों से, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अल्लाह के घरों की हिफाजत करो। दूसरे जगहों पे देख रहे हैं तुम अपने को हिफाजत करने का मौका है, अपन हिफाजत करो। सीटों पे बैठे हुए तुम रात में निकल के जो है सो पब्लिक से पूछो पानी आया या घर में नहीं आया। दूसरे जगहों पे इतने जगह पूछ रहे हैं तुम लोग, कहीं को नहीं पूछ रहे? आने वाला इलेक्शन तुम लोगों को बताएंगे, जो रातों में नहीं निकल रहे तुम लोग, रातों में पब्लिक परेशान रही पानी से, कई गलियों में पानी जमे हुआ है, तुम लोग निकल के नहीं पूछ रहे? लोग बोल नहीं सक रहे तुम लोगों को? आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह तुम लोगों को बताएंगे। नूर मस्जिद जेलपल्ली में अलजाबरी कॉलोनी में हूँ। इंशाल्लाह ये पानी देवो, लोगों को तकलीफ नको दियो, पानी का काम करो, पानी बाउंड्रियों में भर गया आखिरी में, इतना पानी है। अब क्या करते हैं लोग नमाज को कैसे आएंगे बता दो तुम? दिन में भी ये, रात में भी ये चालम हो गया यहाँ का। आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह फिर बताएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यू नीड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाए यू नीड इंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।